नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोव माई डियर फ्रेंड्स मेरा नाम है प्रशांत मावानी आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड दोस्तों मेरे एक कजिन आर्मी में थे और एक दिन हम डिस्कशन कर रहे थे आई आस्क्ड हिम के हमारे देश का सबसे खूबसूरत स्टेट कौन सा है बिकॉज यू नो के आर्मी वालों को अलग अलग जगह पर

भूटान मिल जाता है राइट right? भूटान के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है और यहां पर है चाइना राइट प्रिसाइजली बात करें तो तिब्बत एंड वी नो के एल वाला जो इश्यू है इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू लद्दाख राइट ये पूरा हमारा जो बेल्ट है ये पूरी जो एल वाली रेंज है यहां पर हमें चाइना का इश्यू देखने को मिलता है तो थैंक्स टू चाइना आई वुड से इसकी वजह से खास करके जो गलवान क्लैश हुआ ट्वेंटी ट्वेंटी में उसके बाद भारत की सरकार जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो गई हमारी आर्मी जो है हमारी मिलिट्री वो भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई और अब एक जबरदस्त लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है वो ये पूरा जो एल वाला बेल्ट है वहां पर चल रहा है सो एक छोटी सी जगह है इसका नाम है किबिथु राइट ये किबिथु जो है ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का उसका एक विलेज है सबसे ईस्टर्न मोस्ट विलेज अगर कोई है तो दैट इज आई एम श्योर नाम ऐसे याद नहीं रहते हैं नाम जो है वो अगर हम इमेज देख ले तो याद रहता है तो थैंक्स टू दिस मैप्स ऑफ इंडिया एक बहुत ही खूबसूरत अरुणाचल प्रदेश का मैप है ऑन योर स्क्रीन इस मैप का इस्तेमाल आज की डिस्कशन में एक और बार हम करने वाले हैं जस्ट फॉलो दिस लेजर पॉइंट अर तो ये रहा अंजाव डिस्ट्रिक्ट ये पूरा राइट right? यहां से आप देखेंगे सो so दिस इज अंजाव डिस्ट्रिक्ट एंड एज यू कैन सी इट इज शेयरिंग लैंड बाउंड्री विथ चाइना तो ये जो अंजाव यहां पर चाइना के साथ एक लैंड बाउंड्री क्लियरली हम शेयर करते हैं और यहां पर फिर म्यांमार भी आ जाता है तो ये जो अंजाव है ना तो इसका यहां पर देखिए दिस इज किबिथु यही वो गांव है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे ठीक है तो दिस इज द प्लेस यार एंड यहां पर एक और चीज को यहां पर नोटिस कर लीजिए देखिए ये जो है ना ये वाला पोर्शन अरुणाचल प्रदेश का इसका और बाकी का जो पोर्शन है उसका भी एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है इन टर्म्स ऑफ आर्मी उसको देखने वाले हैं डोंट वरी अबाउट इट अभी फिर फिलहाल जो है ना वो आप इस पर ही फोकस करिए किबिथु और अंजाव डिस्ट्रिक्ट अब डेवलपमेंट का काम जो है वो ये जो किबिथू है यहां पर चलने लगा है स्टार्ट हो चुका है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो बनाया जा रहा है अपग्रेड किया जा रहा है इसी के साथ साथ जो स्कूल टीचर्स हैं उनका जो रेसिडेंस है उसको भी यहां पर अपग्रेड किया जा रहा है ताकि यहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने बच्चों को दूर दराज इलाकों में उनको ना भेजना पड़े हॉस्टल में भेजना ना पड़े सारी बेसिक फैसिलिटीज जो है अच्छी क्वालिटी की वो उनको अपने गांव लेवल पर ही मिल जाए तो ये कोशिश जो है वो सरकार कर रही है और इसी चीज को लेकर भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपोर्टेंट स्टेप सरकार ने उठाया लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया था और इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है यह वीडियो जो है ना दोस्तों वो भी हमारी चैनल स्टडी ग्लोज पर अवेलेबल है आप उसमें मैंने काफी ग्राफिक्स और सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए जो अलग अलग राज्य हैं एक एक राज्य के बारे में भी हमने बात की है तो ये वीवीपी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है और इसमें फोर करोड़ रुपीज जो है वो अलग से इसको इसके लिए रखे गए हैं और टारगेट है ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी तक तो ये तीन चार सालों के अंदर 2967 जो विलेजेस हैं इनके डेवलपमेंट का काम जो है वो वीवीपी के अंदर होगा और याद रखिए कि विलेजेस जो है वो रेगुलर विलेजेस नहीं है ये विलेजेस थोड़े अलग हैं अलग इसलिए क्योंकि आप देखिए आपकी स्क्रीन पर ये सारे स्टेट हमारे जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं राइट तो लद्दाख दिस इज यूनियन टेरिटरी ऑफकोर्स फिर आप देखेंगे तो यू फाइंड uh, ये जो हमारा उत्तराखंड है हमारा ये उत्तराखंड आ गया ये हिमाचल है ये उत्तराखंड दिस वन इज सिक्किम दिस वन इज आसाम तो ये 46 ब्लॉक के 19 टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें ये स्प्रेडेड हैं ये सारे विलेजेस राइट और इसका मेन लक्ष्य यही है कि यहां पर आउट माइग्रेशन ना हो लोग जो हैं वो बॉर्डर वाले एरियाज को छोड़कर ना जाए दोस्तों सबसे शॉकिंग चीज अगर कोई है तो दैट इज दुनिया के अलग अलग देशों को अगर आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूरोप को ऑब्जर्व करेंगे देन यू डिफाइंड कि यूरोप में दो देशों के बॉर्डर के नजदीक जो गांव हैं जो टाउन हैं जो सिटीज हैं वो काफी ज्यादा डेवलप्ड रहते हैं और हमारे यहां पर चीजें जो हैं वो काफी अलग है द रीजन इज बिकॉज दोनों तरफ दुश्मन है सो so, अब सरकार जो है वो ये कोशिश करी कि यहां के लोग जो है वो अपनी संस्कृति अपने गांव और इन सारी चीजों को छोड़कर चली जाएगी तो फिर चाइना जैसा देश जो है ना वो नए नए एरियाज को अपने अंडर क्लेम करता ही रहेगा तो इस चीज को खत्म करने के लिए सरकार ने ये वीवीपी प्रोग्राम को लॉन्च किया और चाइना एक, एक प्रोग्राम चलाता है इसको कहते हैं कांग यानी कि मॉडरेटली प्रोस्परस तो चाइना जो है वो एल के आसपास के जो एरियाज है ना वहां पर विलेजेस को डेवलप करता है ताकि वहां के जो चाइनीज लोग हैं वो अपने विलेजेस को छोड़कर ना जाए तो भारत मीनस जब आजाद हुआ उसके बाद हमारा चाइना के साथ सिक्सटी में युद्ध भी हुआ था लेकिन उसके बाद बॉर्डर वाले एरिया पर हमने एलएससी वाले एरिया पर इतना ध्यान नहीं दिया डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं राइट लेकिन अब चीजें जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो रही है सो दिस इज द बिग पिक्चर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार हमारी मिलिट्री जो है वो काम कर रही है अब बात अगर हम हमारी आर्मी की करें राइट तो अब मैप पर और आर्मी पर थोड़ा हम फोकस करते हैं हमारी आर्मी जो है वो अरुणाचल प्रदेश को कैसे क्लासिफाई करती है एक कामेंग वाला रीजियन है राइट डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द रिवर दैट फ्लोज थ्रू द स्टेट कामेंग नाम की जो नदी है उस पर से ही ये कामेंग डिस्ट्रिक्ट नाम पड़ा है और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश को कैसे क्लासिफाई किया है एक कामेंग वाला रीजन है और दूसरा है आर ए एल पी तो ये तवांग वाला जो तवांग डिस्ट्रिक्ट जो है ना दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कामेंग एरिया अभी मैंने आपको दिखाया था दो सेकंड्स के लिए होल्ड ऑन आई विल शो इट टू यू ऑन द मैप एज वेल बाकी का जो एरिया है दैट इज आर एल पी दैट इज रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश राइट अगेन लेट्स जंप ऑन टू द मैप एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ये वाला है तवांग वाला रीजन और कामेंग वाला रीजन तो ये पोर्शन जो है ना आर्मी इसको कामेंग रीजन के तौर पर देखती है ठीक है और बाकी का जो है अरुणाचल प्रदेश इसको कैसे देखा जाता है रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर ए एल पी ऐसे इसको क्लासिफाई किया जाता है ठीक है अब ये कामिंग और RALP जो है, तो इसको मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा डिवाइड किया गया है और इसी हिसाब से इसका डेवलपमेंट का काम जो है वो चलता है अब टोटल जो एलएससी है हमारी चाइना के साथ द्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एटी एट किलोमीटर और इसमें से 1346 किलोमीटर की जो एल है ये सिक्किम और अरुणाचल जिसको ईस्टर्न सेक्टर में गिना जाता है तो एज यू कैन सी दिस इज सिक्किम हियर तो पूरी ये सिक्किम वाली जो बॉर्डर है ऊपर और यहां पर राइट तो ये 1346 किलोमीटर लंबी एल है जैसा मैंने आपको बताया ना कि डिवीजन किया गया है तो ये तवांग और कामिंग वाला जो रीजन है ये आर्मी का जो फोर्थ कोर है उसके अंदर आता है और आर वाला जो पोर्शन है ये आर्मी के थर्ड कोर के अंदर आता है बस आपको टेक्निकली इतनी ही चीज समझनी है लेकिन कामेंग और तवांग वाला जो रीजन है उसमें पिछले 10-15 सालों के अंदर डेवलपमेंट काफी अच्छा हुआ है बाकी का जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है उसमें उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है लेकिन ये वीवीपी स्कीम के बाद और खास करके इसलिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि गलवान वाला जो एक इश्यू हुआ गलवान वैली क्लैश जो हुआ उसके बाद सरकार की आंखें खुल गई मिलिट्री की आंखें खुल गई कि चाइना जो है वो इस लेवल तक गिर सकता है तो उसके बाद अब स्पीड जो है वो रेस्ट ऑफ द रीजन जो अरुणाचल प्रदेश का रीजन आर एल वाला रीजन उसमें काम जो है वो काफी अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहा है ठीक है नाव लेट्स जम ऑन टू अलग अलग जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है जो फेजेस हैं अलग अलग सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन का क्यों इंपॉर्टेंस है और इसके अलावा जो दूसरे टूरिज्म और कनेक्टिविटी को लेकर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पर भी एक नजर घुमाते हैं राइट सो लेट्स स्टार्ट विथ इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग फेजेस की बात करें तो 662 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है इसमें 455 विलेजेस कहां पर हैं अरुणाचल प्रदेश में और इसमें 245 विलेजेस जो हैं ये थर्ड कोर एरिया में आते हैं यानी कि आर ए एल पी वाले रीज़न में आते हैं और इसमें से 23 विलेजेस जो हैं इसको आर्मी प्रायोरिटी पर डेवलप कर रहा है लास्ट ईयर टेंथ

एक ऑपरेशन सद्भावना है तो ये सोशल वेलफेयर स्कीम के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें एनवायरमेंट एजुकेशन स्किलिंग इन सारी चीजों पर फोकस किया जाता है और ये आर्मी और पुणे बेस्ड असीम फाउंडेशन के द्वारा इस सद्भावना ऑपरेशन को रन किया जाता है आर्मी ने इस ऑपरेशन के लिए पंद्रह करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किया है, राइट यहां पर क्या किया गया है इस ऑपरेशन के तहत में एक बेकरी खोली गई है और ये जो बेकरी है ना इसमें चार महिलाएं काम करती हैं ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी सेवन इनकी एज है तो काफी यंग महिला है उनको यहां पर जॉब मिल रही है उनकी मंथली सैलरी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज और इसको रफली 2022 में एस्टैब्लिश किया गया था अभी ये बेकरी जो है वो काफ़ी चल रही है और जब टूरिज्म के लिए लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मींस यह ये बेकरी को विजिट कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी डिलीशियस चीज़ें भी मिलती हैं तो इस प्रकार के प्रोजेक्ट से लोकल लोगों को काफ़ी अच्छी जॉब्स भी मिल रही है जब यहाँ पर कनेक्टिविटी और ज़्यादा इंप्रूव होगी तो नेक्स्ट कुछ महीनों के अंदर यूपीआई पेमेंट राइट ये सारी चीज़ें भी यहां पर आने वाली हैं एक बहुत ही

ये क्या करेगा ये वीवीपी का एक फीडर के तौर पर काम करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट वीवीपी में तो डेवलपमेंट कर रही है ये वीवीपी प्रोग्राम के माध्यम से गांवों का लेकिन ये सद्भावना जो है इट विल फिल द गैप्स फीडर का, का काम करेगी कि जहां पर वीवीपी वी चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहा है या फिर जो चीजें वीवीपी में कवर नहीं होती है जैसे कि ये बेकरी बनाना तो इस प्रकार की चीजें जो है वो सद्भावना मिशन के तहत कंडक्ट की जाएगी रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो एक 2400 किलोमीटर वाला ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो है ये 92 परसेंट खत्म हो चुका है और इस साल ये हंड्रेड फिनिश हो जाएगा दूसरा एक फ्रंटियर हाईवे यानी कि जो फ्रंटियर यू नो वॉट इज फ्रंटियर राइट फ्रंट की लाइन तो ऐसा एटीन किलोमीटर लंबा हाईवे जो है वो भी बनाया जा रहा है वो भी एक बहुत अच्छी स्पीड से आगे बढ़ रहा है और इंटरवेली मूवमेंट के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं तीन हजार किलोमीटर लंबा हाईवे जो है अभी इसको प्लान और कंस्ट्रक्शन फेज में ये चल रहा है एंड दूसरे ऐसे ऑपरेशनल ट्रैक्स जो है वो आर्मी ने बनाया है ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो फॉरवर्ड एरिया तक पहुंच सके तो मिलिट्री का सामान अगर पहुंचाना है या फिर आपको लोगों को वहां तक जाना है तो ये सारी चीजें हो सके और गति शक्ति प्रोजेक्ट के तहत भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम वहां पर चल रहे हैं ब्रिजेस की बात करें तो ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी के बीच में थर्टी फोर ब्रिजेस बने हैं और ये ब्रिजेस ऐसे हैं जो सेवेंटी टन या फिर उससे ज्यादा की कैपेसिटी वाले हैं तो हमारी जो डिफेंस की सप्लाईज हैं उनको आप इजीली इन ब्रिजेस से फॉर एग्जांपल अगर आपको टैंक्स ले जानी है तो आप ये टैंक्स इन ब्रिजेस के माध्यम से ले जा पाएंगे हेलीपेड यहां पर इस प्रकार से बनाए गए हैं कि जो चिनुक है ना चिनुक हमारा एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर जो दो उसमें ऐसे फैंस आते हैं दैट वन चिनुक तो के एक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है एयरफोर्स का एक बहुत ही ताकतवर हेलीकॉप्टर है और कहते हैं कि एल पर जब से ये चीनूक आया है ना तब से चीजें हमारे फेवर में काफी चेंज हो गई है तो एरियल कनेक्टिविटी के लिए चीनूक प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल और लद्दाख में जो गलवान स्टैंड ऑफ हुआ तो इसकी वजह से बहुत बड़े बदलाव किए गए मेजर रीओरियंटेशन हुआ हमारे सोल्जर्स जो एल ओ सी पर हुआ करते थे ज्यादा अब उनको डिवाइड करके हमने एल एस सी पर भी पोस्ट किया है वेस्टर्न बॉर्डर से नॉर्दर्न और ईस्टर्न बोर्डर्स पर उनको पोस्ट किया गया इसके साथ ऑर्डर ऑफ बैटल जो है उसमें बदलाव आया है ट्रुप और मशीन्स को मेंटेन करने का काम काफी इंप्रूव हुआ है और जो नॉर्थ ईस्ट में काउंटर इंसर्जेंसी का रोल करती थी फॉर एग्जाम्पल आई टी बी पी तो इनको भी एल एस सी पर डिप्लॉय किया गया है इतना ही नहीं रही फ्रेंड दर आर मेनी अदर थिंग्स एज तो वेल फॉर एग्जाम्पल आर्टिलरी गन्स की बात करें तो M77 सेवन सेवन अल्ट्रा लाइट होविजर और 105 जीरो फाइव इंडियन फील्ड गन्स जो हैं इनको एल पर डिप्लॉय किया गया है एम की रेंज 30 किलोमीटर की है और चिनूक हेलीकॉप्टर से आप इसको एयरलिफ्ट कर सकते हैं तो दौलत से आपको इसको यहां पर प्लेस करना है इस जगह पर और या फिर यहां पर तो आप चिनूक से इसको उड़ाकर यहां से इजिली ड्रॉप कर सकते हैं ड्रॉप इन द सेंस यहां पर इसको लैंड किया जा सकता है एंड देन यू कैन यूज दिस एम फिर न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स भी और दूसरे भी ऐसे इक्विपमेंट्स और वेपन्स जो हैं इनको यहां पर इंडक्ट किया गया है फिर एक मेमोरियल बनाने की बात है नवंबर बैटल ऑफ वेलोंग बैटल ऑफ वेलोंग में ऐसा हुआ था कि इंडियन आर्मी जो है उसने ये जो पा, पाकिस्तान, पीपल्स लिबरेशन आर्मी आ, चाइना की जो आर्मी है तो इसको 27 दिनों तक एक महीने तक आप समझ लीजिए कि हमने उनको रोक कर रखा था हमारे पास उतना सामान नहीं था हमारे पास उतने रिसोर्सिस नहीं थे और 1963 जनवरी में टाइम में यह लिखा भी गया एट वेलोंग इंडियन ट्रूप्स लैक्ट एवरीथिंग हमारे पास सारी चीजों की कमी थी एक चीज की कमी नहीं थी एंड दैट वॉज गट्स हिम्मत की कमी नहीं थी तो ये बैटल ऑफ वेलोंग जो है ये भी एक आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा टूरिज्म का स्पॉट बनेगा फिर एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है तो इसमें यही लक्ष्य है कि बेसिक टेलीग्राफ की सर्विसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए और अब यूएसओएफ के तहत ऐसा हो रहा है कि भारतीय ग्रुप के साथ एक टाइप हुआ है 2021 में तो 980 ऐसी साइट से जहां पर 4G जी बेस्ड मोबाइल सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की जाएगी और आने वाले कुछ महीनों के अंदर बहुत सारी जगहों पर फोर जी सर्विसेज अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हो जाएगी एयरटेल जो है इट इज लुकिंग आफ्टर 345 साइट्स और इसमें 23 साइट्स जो हैं वो कंप्लीट हो भी चुकी है इसमें अंजाब डिस्ट्रिक्ट भी आ गया बी एस एल इज लुकिंग आफ्टर फोर साइट्स और बहुत सारी जगहों पर टू को अपग्रेड करके फोर में तब्दील किया जा रहा है सीमा दर्शन नाम की एक एक एक, प्रोजेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट का सीमा दर्शन और यहाँ पर 12 ऐसे टूरिस्ट सर्किट्स जो हैं इनको डिजाइन किया गया है और रिलीजियस टूरिज्म को भी काफी हैविली सरकार जो है वो प्रमोट कर रही है ताकि लोकल लोगों को भी पता चले कि भाई इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का पावर क्या है और बाकी के देश के लोग जो हैं वो वहां पर जब जाएंगे तो लोगों लोगों को भी काफी फायदा होगा सो इट्स विन विन सिचुएशन तो सिविल और डिफेंस का अच्छा कॉम्बिनेशन जो है और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अच्छा कॉम्बिनेशन यहां पर हमें देखने को मिल रहा है सो आई होप डिफ्रेंस आज की हमारी ये जो डिस्कशन है इस डिस्कशन से आपको अरुणाचल प्रदेश के साथ जुड़ी हुई काफी अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी डू शेयर दिस लेक्चर विद अदर स्टूडेंट्स मैंने कोर्स तैयार किया है इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप इट इज अवेलेबल ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल एप एंड डियर फ्रेंड्स डू चेक आउट माई यूट्यूब चैनल क्यूरियसली एजुकेशन थैंक यू वेरी मच दिस इज प्रशांत मामानी गुड प्लेस यू ऑल जय हिंद